वाह वाह, क्या टेस्टी खाना है। वो तो होगा ही, गरीबों से लूटे हुए पैसों से जो है। क्या भाई साहब, आपने क्या कहा? वही जो आपने सुना। और सुनिए, जिसके बेटे की शादी में आप इतने मगन होकर खाना खा रहे हैं, वो आदमी यानी दुल्हे का बाप अर्जुन कुमार एक नंबर का लालची है। लालची, उसका बस चले तो पैसों के लिए किसी का भी खून कर दे। इतना बड़ा लालची है वो, ब्याज के नाम पर धोखे से गरीबों की जमीन हड़प लेता है। क्या भाई साहब, आप कुछ भी बोल रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ। अंदर की बात बताऊँ, अर्जुन कुमार के दो और भाई हैं। उनके पिता के मरने के बाद कहीं तीनों भाइयों में जमीन और पैसों का बंटवारा ना हो जाए, इसलिए अर्जुन कुमार ने बड़ी चालाकी से उन्हें काम करने के लिए बाहर भेज दिया। अच्छा, फिर? फिर क्या, जिसको बाहर की हवा लगती है क्या वो कभी वापस आता है? और काम धाम छोड़कर कौन आता है? और आ भी गया तो क्या होगा। अर्जुन कुमार ने उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दी, फिर उसी पैसे से अपने नाम की जमीन खरीद ली। क्या, ये तो बड़ा ही लालची है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अब क्या बताऊं, मैं अर्जुन कुमार का वकील हूँ, पैसों के लिए करना पड़ता है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन भाई साहब एक बात समझ नहीं आई, अगर दुल्हे का बाप ही इतना लालची है तो फिर अपने बेटे की शादी में दहेज क्यों नहीं लिया? यही तो खेल है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने एक तीर से दो काम किए हैं। देखो, अर्जुन कुमार का बेटा मतलब प्रभाकर कोई काम का नहीं है, एक नंबर का निठल्ला है, निठल्ला। अब निठल्ले बेटे के लिए दहेज कौन देगा? कोई नहीं देगा, तो फिर बेटी क्यों दिए? सिंपल है, बेटा निठल्ला है तो क्या हुआ, बाप ने अपनी संपत्ति दिखाकर शादी करवा दी। अब प्रभाकर की शादी जिस लड़के से हो रही है उसका कोई भाई बहन ही नहीं है, मतलब घर की इकलौती बेटी और लड़की का बाप जमींदार है, तो एक ना एक दिन उसकी सारी संपत्ति प्रभाकर को ही मिलने वाली है। तो इस तरह उसने अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए कर दी और जेब भी भर ली। हाँ ये तो है। कुछ इस तरह का चरित्र वाला अर्जुन कुमार था लालची और शातिर। फिलहाल घर में नई बहू को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और अब अर्जुन की नजर उसके गहनों पर थी, इसलिए एक दिन अरे बहू। जी बाबूजी। बहू, मैं ये कह रहा था कि जमाना बड़ा खराब है, अभी दो दिन पहले ही हमारे पास के गांव में चोरी हो गई है, सुना है कि घर के सारे गहने चोरी हो गए। बहू तुम एक काम करो, अपने सारे गहने मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने पास सुरक्षित रख दूंगा। ठीक है बाबूजी। ठीक है बहू, अब तुम जाओ, मैं इन गहनों को संभाल के रखूंगा। जी बाबूजी। छी छी, आपको इस तरह बहू से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ। ओह, तो तुम सब जान चुकी हो। ठीक है, जब जान ही चुकी हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब जाओ। ये सब मेरा है। बहू के पास जो गहने थे वो तो मिल गए, लेकिन अब पैसे कैसे निकालूं? कैसे? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नींद? वो मैं कुछ सोच रहा था। अब आप इतनी रात को क्या सोच रहे हैं, सो जाइए। ठीक है। तुम नहीं समझोगी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, अब बिना दहेज के बहू लाया हूँ तो धीरे धीरे वसूलना तो होगा ना, तभी तो नींद आएगी। बेटे। जी बाबूजी। बेटा, मैं दो दिन बाद घर पर माता रानी की पूजा करने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, इसीलिए तो पूजा करना चाहता हूँ। दरअसल मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर प्रभाकर की शादी ठीक से हो जाए
तो मैं माता रानी को सोने की बाली चढ़ाऊंगा और ये मन्नत प्रभाकर को ही पूरी करनी होगी। लेकिन बाबूजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, तुम बहू से बात करो, चाहे तुम दो या फिर बहू, क्या फर्क पड़ता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहू से मांगना अच्छा लगेगा क्या। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। प्रभाकर तुम आज ही बहू से बात करना। ठीक है बाबूजी। इस तरह अर्जुन किसी ना किसी बहाने अपनी बहू से पैसे लेने लगता है और अपनी तिजोरी भरता रहता है। अच्छा सुनिए। हाँ कहो। एक बात पूछूं? जल्दी पूछो, क्या पूछना है, मुझे सोना भी है। वो बाबूजी बार बार पैसे लेते हैं, गहनों का तो समझ आता है कि उन्होंने रख दिया होगा, लेकिन पैसे। अब मुझे क्या पता, वैसे भी बाबूजी बिना वजह कुछ नहीं करते। चलो अब सो जाओ। बाबूजी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मेरे गहने तो पहले से ही ले चुके हैं, अब हर दो दिन में किसी न किसी बहाने से पैसे ले लेते हैं। इसका मतलब सब सही कह रहे थे कि तेरा ससुर एक नंबर का लालची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ससुर जी मेरे बाबूजी की जमीन भी हड़प लेंगे। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या। ये सही रहेगा। बाबूजी ये लीजिए चाय। अरे हाँ 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 बहू, दो दो। लीजिए बाबूजी। बाबूजी मैं आपके पैर दबा दूँ? पैर? अच्छा ठीक है दबाओ। पता है बाबूजी, मैंने सुना है कि मेरे गांव में एक बहुत गरीब आदमी था। अच्छा। हाँ, और आप जानते हैं, एक दिन उसे एक ऐसी स्कीम के बारे में पता चला जिसमें पैसा लगाने पर दुगना पैसा मिलता है, तो उसने किसी महाजन से उधार लेकर उस स्कीम पर पैसे लगा दिए और फिर उसका पैसा दुगना हो गया। ऐसा करते करते आज वो बड़ा आदमी बन गया। क्या, अगर मैं भी पैसे लगाऊंगा तो मेरा पैसा भी दोगुना हो जाएगा। अच्छा बहू, क्या मैं भी उस स्कीम में पैसे लगा सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसमें खतरा भी है, मैंने सिर्फ सुना है और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए बाबूजी। अरे बहू, जीवन में खतरा तो लेना ही पड़ता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस ये पता लगाओ कि वो स्कीम अभी है या नहीं है। ठीक है बाबूजी। अब मैं भी सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नमस्ते, आप ही अर्जुन कुमार हैं? जी नमस्ते। आप? वो आपकी बहू की सहेली ने बताया था कि आपको भी स्कीम चाहिए। अरे हाँ, आओ आओ बैठो, चाय पियोगे? नहीं नहीं, मुझे किसी को पेमेंट करने जाना है, 40 लाख देना है। 40 लाख? अच्छा आपको कितने लगाना है? एक काम करता हूँ, आज कुछ पैसे लगाता हूँ, अगर पैसा दोगुना हो गया तो फिर। क्या हुआ? एक लाख। ठीक है, तो इस कागज पर साइन कर दीजिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए साइन करना है। ठीक है। लालची अर्जुन पेपर में साइन कर देता है और फिर दो दिन बाद उसे दुगना पैसा मिल जाता है। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अब उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए वो अपनी जमीन, अपना कारोबार, घर सब गिरवी रख देता है और सारा पैसा स्कीम में लगा देता है। अमाउंट बड़ा है इसलिए कुछ दिन का समय लग जाएगा, समझ लीजिए कि आप करोड़पति बन गए, बस आप पेपर में साइन कर दीजिए। क्या करें, फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता है। हाँ हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। चलिए अब आप समझ लीजिए कि आप करोड़पति बन गए। करोड़पति बनने के लालच में अर्जुन अपनी सारी संपत्ति दांव में लगा देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए लेकिन वो आदमी नहीं आता है, अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वो आदमी आता है। अरे आओ आओ, बड़ी देरी कर दी, और तुम खाली हाथ क्यों आए हो? वो समझ गया,
अब इतनी बड़ी रकम हाथ में लाना तो मुमकिन है नहीं, इसलिए तुम चेक लाए हो। नहीं, ना मैं कैश लाया हूँ और ना ही चेक। दरअसल मेरा मैनेजर सारे पैसे लेकर भाग गया। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मेरे साथ मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पुलिस थाने से ही आ रहा हूँ, बस यही कहने के लिए कि मैं यहाँ आया था, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हे भगवान, मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ आप इस तरह से? ये आपने क्या किया? अरे बहू तो बच्ची है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए, ये सब आपके लालच की वजह से हुआ है। आपके लालच ने हम सबको रोड पर बैठा दिया। तुम सही कह रही हो, मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे पैसों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। मैंने लालच में आकर अपने भाइयों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, यहाँ तक अपने बेटे की बहू के गहने भी धोखे से ले लिए। अच्छा हुआ मुझ जैसे लालची इंसान को धोखा ही मिलना चाहिए, काश मेरी आंखें पहले खुल जाती तो इतनी देर ना होती। बाबूजी अभी भी देर नहीं हुई है। तुम क्या कहना चाहती हो? बाबूजी ये स्कीम सब मेरा ही आइडिया था, ताकि मैं आपकी आंखों से लालच का पर्दा हटा सकूं। आपको स्कीम के बारे में बताना, फिर पैसों का डबल करना, सब बाबूजी, आपका सारा पैसा मेरे पास सुरक्षित है। अच्छा किया बहू तुमने, बहुत अच्छा किया, मुझ जैसे लालची इंसान को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए था। आखिरकार अर्जुन की आंखों से लालच की पट्टी हट जाती है, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों के पैसे और गरीबों का जमीन सब वापस कर देता है और बाकी का जीवन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता है।